जी श्री लाखन सिंह और मेरे पतिदेव श्री पुष्पेंद्र सिंह चाहर दोनों करा रहे हैं, जो कि भगवान ने मेरे पिताजी को एक नया जीवन दिया है। उसके उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा ये प्रोग्राम रखा है आप सभी के सहयोग से, और जितनी भी सरदारी यहाँ बैठी हुई है सभी के लिए बहुत बहुत आभार। और जितनी भी जनता ने यहाँ प्यार दिया है उसके लिए आभारी रहेंगे। आपके सामने ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान पंडित रोहतास जनूथर से, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान धर्मवीर सिंह चाहर जेंगरा आगरा से, और जो झीका पर झनकार दे रहे हैं हमारे अंकल जी श्रीमान बदन सिंह जी अभोरा निवासी। आपके सामने आपकी लाडली बेटी बिमलेश चाहर गांव नगला कल्याण भरतपुर राजस्थान से। आइएगा सुनिएगा जिक्री भजनों का एक छोटा सा प्रोग्राम। सभी मेरे क्षेत्र की सरदारी, बाहर से आयु सभी आगंतक महानुभाव, यहाँ पर विराजमान सत्य अनुसुईया जैसी पवित्र इस धरती माता का श्रृंगार मेरी आद शक्ति यानी कि मेरी मात शक्ति मेरी माता बहनाएं, सभी के लिए बिमलेश चाहर की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम 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 साहब। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बच्ची हूं आपके घर आंगन की, अगर मेरे से कोई भी गलती हो या त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा। आपके सामने वैसे तो कलाकारों का सम्मान करने के लिए मैंने सभी कलाकारों को यहां बुलाया था, लेकिन आप सभी की इच्छा थी इसलिए 5 मिनट या 10 मिनट जो भी हैं मैं आपके सामने हूं। आइए चलते हैं, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है चार लाइनों में, और भैया जी कैसे हैं क्या राग बही और ध्यान वही जो धनी के धरे कितिरिया वही पति संग जले और पुत्र वही जो पिता के रहे को सूर वही जो रण से ना हटे और भैया वही जो की मांग गहे को कि मतलब के यार अनेक बने लेकिन पर यार वही जो की विपदी। एक बार सभी सब विनम्र निवेदन करूंगी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगी कि जितने भी श्रोतागण यहाँ बैठे हुए हैं एक बार अगर वो उस प्यारे प्रभु से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, एक बार दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करेंगे और जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए मां के प्यारे लाल।
कहते हैं जिसको राम नाम से प्यार होता है, उस प्यारे प्रभु से प्यार होता है, उसके लिए कांटों की कभी कोई कमी नहीं होती है। जो सत्य मार्ग पर चलते हैं उनका भगवान साथ देते हैं। कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। आइए एक छोटी सी भवानी दो लाइनों की देख लीजिए उस भक्त प्रहलाद को और गौर करिएगा, लिख दिया है दो लाइनों में। और भैया जी कैसे वो भक्त प्रहलाद अपने पिता से कहने लगा, पिताजी इतना अभिमान इतना गुरूर अच्छा नहीं है। क्यों? कह रहा है कैसे, कितनों ले हे पिताजी, कितनों ले धमकाई पिताजी। क्यों हेरे कितनों ले अजमाए पिताजी, ये राम नाम ना छूटे गो। कह दिया कैसे, अरे कितनों ले अजमाए पिताजी, पर राम नाम ना छूटे गो। और अरे भरियो भरायो गड़ा पाप को। क्या बात है भैया, आपका जवाब नहीं है, क्या कहा? अरे भरियो भरायो गड़ा पाप को भैया जी, और चोरा है वाले मेरे लिए पुरस्कार देते हैं। चाहूंगे एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। और ये 2100 का पुरस्कार मेरे आदरणीय श्रीमान लाखन सिंह मास्टर जी मेरे पिताजी मेरे लिए देते हैं खुशी के मारे। एक बार चाहूंगी मेरे पिताजी का जोरदार तालियों के साथ सम्मान कीजिएगा। और ये 600 का पुरस्कार श्रीमान पॉप सिंह अंकल जी मेरे लिए देते हैं। नेताजी नेताजी एक बार ताली के साथ सभी का स्वागत करते रहिएगा। और ये हमारे थानाधिकारी महोदय थानाधिकारी जी श्रीमान ब्रजेश सिंह मीणा जी अलवर जिले से चल करके आए। 2500 का पुरस्कार देते हैं, जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। जन्म लिया है तुमने, भारी पाप कमाया।
चाचा श्रीमान, मेरे आदरणीय ताऊ जी श्रीमान देसरा सिंह जी, नगला कल्याण निवासी, मेरे लिए पुरस्कार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद ही कामना करते एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। लेकिन गौर करिएगा शब्दों की तरफ, अरे बलबुद्धि और तेज तपस्या, क्या कहा, अरे बलबुद्धि और तेज तपस्या, ये सब प्रभु की माला है। लेकिन क्या कहा पुत्र ने, अरे कोई है जाए कौन, क्या कह रहा है, अरे कोई है जाए पार भमर से, जो राम नाम को लूटे गो या जी, कोई है जाए पार भमर से, राम नाम को लूटे गो, और अरे भर भर आयो कर पाप को, और चोरा पुरस्कार मेरे बड़े भाई देवा अभोरा से चलकर के आए और आज चार पांच दिन से मेरा साथ दे रहे हैं मेरी व्यवस्था में। एक बार चाहूंगी मेरे भाई के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आदरणीय सज्जनों और सीबी चेक्षक पुरस्कार आदरणीय भूपा जी बुरावई वाले देते हैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। साहब आपके सामने समय बहुत कम है और मेरे ऊपर मेरे सभी माननीय कलाकारों का जोर है, तो मैं थोड़ा सा ही समय लूंगी और आपके सामने एक छोटा सा गाना प्रस्तुत कर रही हूँ। आदरणीय सज्जनों सुनिएगा, एक छोटा सा गाना है और उसमें अपने इन युगों के बारे में लिख दिया है कवि ने, और गौर करिएगा किस तरीके से भैया जी। आइए चलते हैं, गौर करिएगा आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है और भैया जी कैसे। कल काल कल्पना का भैया जी, कल काल कल्पना का बुकर तार कैसा होगा, क्यों यह कलयुग इतना बढ़ चुका है इसकी कोई सीमा नहीं है। आइएगा चलते हैं और इसी बीच ये 500 का पुरस्कार मेरी छोटी बहन साक्षी कुमारी मेरे लिए देती है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा मेरी बहन। क्यों कल काल कल्पना का, क्या बात है भैया जी, कल काल कल्पना का वो करतार कैसा होगा, क्यों कलयुग में आने वाला, कौन कलयुग में होने वाला अब तार कैसा हो।
यानी कि ये मेरी दादी सास छोटी, मेरी ददिया सास, हाँ जी, श्रीमती राम श्री जी नगला कल्याण निवासी मेरे लिए सर्व पुरस्कार आशीर्वाद में देती हैं, और सर्व पुरस्कार मेरी ओमा बुआ जी बुरावई वाली, और ये एक जगह पुरस्कार मेरी आदरणीय गंगा बुआ जी मेरे लिए आशीर्वाद दे रही हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा नारी शक्ति का। क्या बात है, चुके हैं और सबसे पहला युग कौन सा था, गौर करिएगा भैया जी कौन सा। कौन? और इसी बीच सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, एक बार बरौली चार से चल करके आए हमारे सरपंच साहब, एक बार जोर ताली बजाओ, भविष्य स्वागत कीजिएगा। पूरी कमेटी के साथ यहाँ पधारे हैं और हमारे लिए ये पुरस्कार दे रहे हैं, 31 का पुरस्कार है। जोरदार ताली के साथ स्वागत, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत। और आदरणीय सज्जनों, कहते हैं मां बेटी उसका कोई भविष्य नहीं होता है, और जिसके ऊपर सती सावित्री जैसी माँ का प्यार हो, यानी कि मेरी माताजी, मेरी सासू माँ श्रीमती नगीना देवी जी गांव नगला कल्याण से मेरे लिए 500 का पुरस्कार देती हैं, और ये मेरी छोटी माताजी नगला कल्याण से मेरे लिए 100 का पुरस्कार देती हैं, और इसी बीच 100 का पुरस्कार श्रीमान बीरी सिंह जी सनुली निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करती हूं। और इसी बीच ये 100 पुरस्कार श्रीमान सुभाष भैया जी जो साक्षी के उसके छवि के पिताजी हैं मेरे सम्मान देते हैं, आशीर्वाद की कामना करती हूं। और 500 का पुरस्कार बरौली चार से चलकर के आए मेरे आदरणीय बलवंत मामा जी, पूरी कमेटी सरपंच साहब के साथ, पूरी कमेटी उनको साउंड वाले भैया श्रीमान रोहता सिंह जी को देते हैं। एक बार सभी का जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। और 200 का पुरस्कार मेरे छोटे भाई, यानी कि हैं तो मेरे देवर लेकिन मेरे भाई से भी बढ़कर हैं, जो मुझे बहन का प्यार देते हैं, 200 का पुरस्कार मेरे लिए दे रहे हैं। और 100 का पुरस्कार, 200 का पुरस्कार श्रीमान गोपाल सिंह जी बुरावी निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और 100 का पुरस्कार योगेश चौहान निवासी देते हैं, और ये 100 का पुरस्कार बच्चू सिंह जी शनिवार फौजदार जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। क्या बात है भैया, जोर से। क्या बात है भैया, बहुत अच्छे। सत्य
501 का पुरस्कार श्रीमान रामवीर सिंह जी बुरावई निवासी देते हैं। आशीर्वाद की कामना करती हूँ। वीरेंद्र सिंह जी इंचार्ज ऊंचा नगला हमारे बीच में, कृपया कमेटी में आ जाएं। वीरेंद्र सिंह जी गारोली वाले राजस्थान पुलिस, कृपया मंच में पधारे सर। गौर करिएगा आदरणीय सज्जनों, बात आती है सतयुग के बाद त्रेता की, और त्रेता में क्या हुआ व्यास जी कैसे। भगत जी बुरावे निवासी रहते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। समय को नजर में रखते हुए सुनिएगा, बात हो गई दो युगों की, अब आता है तीसरा युग। वो कौन सा युग है? त्रेता के बाद कौन सा युग आता है? द्वापर। सुनिएगा द्वापर में क्या हुआ था और भैया जी कैसे। कल युग में होने वाला अवतार के
चल रहा है और इस कलयुग में क्या होगा सुनिएगा भैया जी बड़े मीठे मीठे शब्दों जैसे जी, 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 वो अवतार के